हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी और मम्मा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार सी खट्टी मीठी चटपटी मसालेदार आम की लोंजी, जिसे हम अक्सर अपने घरों में गर्मियों में बनाते रहते हैं। ये गर्मी को भी दूर करती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। चाहे इसे साइड डिश की तरह हम यूज करें या फिर मेन डिश की तरह, दोनों में ही ये परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करें इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो कच्चे आम, जिसको हम धोकर पोंछकर इसको छील लेंगे। इसके बाद इसको स्लाइसेस में काट लेंगे और इसकी गुठली को अलग कर देंगे। कुछ लोग इसमें गुठली भी डालते हैं, आप चाहें तो इसमें काट के डाल सकते हैं। इसकी गुठली पर लगे हुए पल्प को भी हम अलग कर लेंगे। इसे हमने पहले ही वॉश कर लिया था, अब काटने के बाद इसको वॉश नहीं करना। कढ़ाई में लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, इसमें डालेंगे साबुत धनिया क्रश किया हुआ, 1 चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी मिर्च। 10-15 सेकंड तक इन मसालों को हल्का सा सौते करना है, बस इतना कि मसाले जले नहीं। इसके बाद इसमें कच्चे आम डाल देंगे और मसाले के साथ 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप पानी, जिससे कि आम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और हमारी चटनी बहुत बढ़िया बने। 15 मिनट इसको ढक के रख देंगे। 15 मिनट के बाद लिड को उठा के देखेंगे, पानी पूरा रिड्यूस हो चुका होगा और जो आम है वो भी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके होंगे। बस हमें थोड़ी सी कसर छोड़नी है, बाकी आम पूरे पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी या गुड़, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, काली मिर्च भी 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इन सब मसालों को चीनी के घुलने तक और पानी के सूखने तक पकाएंगे, जिससे कि इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी होती है। इसे 20 से 25 दिन तक हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ मेलन सीड्स और इसको मिक्स करेंगे। हमारी बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी चटनी तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।